रख लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वैकेंसी बढ़ा दी थी क्योंकि माहौल भी अच्छा था। क्या है जब तक आप डेलीगेशन कर ले तो क्या दिक्कत? नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब मतलब नहीं, वो डेलीगेशन उस टाइम और तुमको नेगेटिव जाता है इसलिए हमने कहा जो तुम करोगे मैं कभी भी ये नहीं करता कि हमें सिर मुंह बनाना है, दे सकते हो बात करें कुछ मत करो, ये सब बात करेंगे जब अपने पास लोग होना है, इनको जब दिखती की क्षमताएं कम है ना तो ये ऐसा बल प्रयोग करते हैं, इनको जब दिखता है बहुत बड़ा हजारों की संख्या में आते हैं तो फिर ये सब बात भी करते हैं, सब कुछ है अपनी कमजोरियां हैं। देखो आंदोलन अपने को थोड़ा सा मतलब ही निकल के बाहर आना पड़ेगा, लोगों को ये चीज जगाना पड़ेगा, आज अपना स्वार्थ छोड़ के लोगों को इनको बोल देना हमें स्टेशन पे छोड़ दे। बेरोजगार कौन है? मेरी बात सुनो, सरकार है क्या? उनके विधायक की सैलरी मिल रही है, उनको मंत्री पद मिल रहा है, उनको फिर सरकार अगर वो नहीं होंगे तो जोड़ तोड़ के तुम्हारे पास क्या है होने को? तुम्हारे पास क्या है? लोग इतने डरते हो रहे ये ना हो क्या होगा अपने तो अभी अभी चले जाने देंगे तुम्हें यहाँ से? अभी तो ये इनकी मर्जी से छोड़ेंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं छूटेगा सर। रात में छोड़ेंगे यहाँ से, छोड़ने के बाद भी सर रात में छोड़ेंगे तो फिर कहीं भी छोड़े देखते हैं क्या करते हैं दादा, देखेंगे तो फिर आराम से जाएंगे, क्या बोला ज्ञापन देना बस नॉर्मल। अभी सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों को एकजुट होना और एक आंदोलन से ऐसा मत सोचना जो आ जाएंगे यार ये तो खत्म हो गया, कभी कुछ नहीं होता, आंदोलन कम ज्यादा चलता रहता है भाई, प्रयास है। मेरे को एक बात बताओ, तुमको पता है एक बात बताओ, जो पार्टी आज सबसे बड़ी है पूरे भारत में वो दो थी, दो 70-75 में दो ही थे ना, आज कितने पे आ गए? आज अपन इतने तो इसके चार गुना करने की क्षमता रखते हो ना। और इस बार मैं फिर कह रहा हूँ परिवार को लेके आओ, जिसकी शादी हो गई बीवी को लाओ, बच्चों को लाओ, अपने माता पिता को, जिनकी शादी नहीं हो माता पिता को लाओ, भाई को लाओ, दोस्त को लाओ, कुछ अपने तो कुल मिलाओ, सभी को लाओ भाई। यार देखो तुमको ताने मारने वाले भी वो भी है ना भाई, ताने भी तो वही मारते हैं कि तेरे को क्या हो गया नौकरी पर, उनको बोला यार एक दिन हमारे लिए भी चलो यार, तुम पार्टियों के झंडे उठाते एक दिन हमारे लिए उठा लो, हमारे बेरोजगार के लिए उठा लो, अपने गांव में माहौल बनाना यार, अपने गांव के बेरोजगार युवाओं को पूछो कि तुम भी इसी कंडीशन में आओगे अगर आज नहीं लड़ोगे अपने गांव के। क्या लगता है पटवारी का होगा इसमें दिखना, फिर कुछ ना कुछ होगा, पेपर लीक होगा, देखना ये हमेशा होगा, पेपर लीक होगा, 12 लाख लोग है यार। कल भाषण बोलने का था।